अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलिंग ट्रिक्स। तो पहले दोस्तों, आज मैंने आपको मशीन की मैनेजमेंट के बारे में बताना है, किस तरह से आप इसको एक लाइफ दे सकते हैं, अपनी मशीन को ज़्यादा देर ये चल सकती है, ख़राब होने से बच सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं कि आपने मशीन को किस तरह से रखना है, इसकी देखभाल किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर आप सिलाई का काम करना चाहते हैं तो ये काम आपको लाजमी करना पड़ेगा, वरना आप मशीन को सही कराते रहेंगे और मशीन ख़राब होती रहेगी और पैसे आपके लगते रहेंगे, काम उल्ट पड़ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी कि सबसे पहले मशीन की देखभाल आपने किस तरह से करनी है, उसके बारे में आप जानिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस मशीन का इंतखाब किया है, ये घर में इस्तेमाल होने वाली आम मशीन है जो कि तकरीबन 80% लोगों के पास घरों में होती है। लोग अपनी बेटियों को शादियों में भी इसी मशीन को ज़्यादातर देते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि इसको आपने मैनेज किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने मशीन को इस तरह से साफ करना है, इसका जो गर्द वगैरह है उसको आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको इस तरह से पलटा लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट कौन से हैं जहाँ से आपने इसको तेल देना है। ये देखें, ये सेंटर में ये हुक से बनी हुई है चिमटा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशीन पर ज़ोर पड़ता है क्योंकि इसी चीज़ की वजह से ये चलती है। आपने एक तेल की कुप्पी को लेना है फकत, और इसमें आपने यहाँ पे देखें ये तेल दे देना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीचे जो जोड़ हैं इनको यहाँ पे आपने इस तरह से ऑयल देना है। फिर चलते वक्त ये चीज़ यूज़ होती है, देखें ये चीज़, इस पर आपने इस तरह से जितने भी जोड़ हैं उनको आपने तेल देना है। उसके बाद ये है जोड़, ये सुराख निकले क्योंकि ये भी चलता है। फिर ये एक चिमटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपने इसको इस तरह से, ये देखें, ऑयल देना यहाँ से। उसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो शटल है इसको आपने अगर खोलना है तो ये यहाँ पे दो नट लगे होते हैं, इसकी डब्बी को पहले निकालना है आपने। ये शटल होता है, इसमें ये जो है ये शटल होता है, ये चलता है तो तभी सिलाई लगती है, इसको शटल कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने खोलना है तो इस तरह से निकाल कर इसको, ये जो नट होता है इसका, इसको आपने, ये देखिए, पहले आपने देखना है कि इसकी शक्ल किस तरह से, ये लगा किस तरह से। अगर आपके पास फोन है तो आप इसकी इमेज ले लें ताकि आपने दोबारा जब इसको फिट करना है तो आपके सामने इसकी तस्वीर मौजूद हो। इस नट को आपने खोलना है और जैसे आपने खोलना है वैसे ही आपने इसको रखते जाना है। इसके बाद ये आ जाता है, इसकी ये टेपर शक्ल है, ये इन्होंने नीचे की तरफ की है, आपने ऐसे ही रख देना है। फिर इस शटल को आपने निकालना है, ये शटल है जिसकी वजह से ये जो मशीन है टांका लगाती है। ये अगर ख़राब हो तो मशीन टॉप वगैरह भी देने लग जाती है, इसको रखना है। इसके बाद आपने ये देखे, ये जो सेंटर में है इसको आपने ऑयल देना है, और देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से, अक्सर धागा यहीं पे फंसता है, धागा अगर हो तो यहाँ से आपने निकाल लेना है, अदरवाइज आपने इसको अच्छी तरह से किसी पेचकश के साथ, उसके साथ कपड़े को लगाकर आपने अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है।
और फिर उसी तरह से आपने सबसे पहले इस शटल को अंदर रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक पटरी है, इसको आपने इसी तरह से रखना है, और ये जो एक पटरी दी हुई है शटल के ऊपर की तरफ जो इन तीनों चीज़ों को ग्रिप देगी, ये भी आपने रखी है। और ये नट जो है यहाँ पे आपने दोबारा इसको ये कस देना है। अब ये शटल लग चुका है। अच्छा, दोबारा लगाने के लिए आपने करना क्या है, ये देखिए इस पत्री को आपने यहां पर ले जाना है, यहां पर, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये जो साइड है इसकी, इसको आपने ऊपर करना है और इस व्हील को आपने थोड़ा सा घुमाना है, ये फिट हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखने के बाद आपने नट को, इस नट वगैरह को आपने दोबारा कस देना है। ये काम आपको एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर इन मशीनों में धागा फंस जाता है और आपको ये बार बार खोलना पड़ेगा। इसका दूसरा नट ये है। इसी तरह से दोनों नटों को आपने कस देना है। इसके ये सुराख है, ये देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक इधर है, इन पर आपने ऑयल देना है इस तरह से। ये ज्यादा, इसकी कुप्पी का मुंह ज्यादा खुल गया, ये दूसरी ले लेते हैं। यहां से आपने, और फिर यहां से लेना है आपने, और फिर यहां से इसको आपने देते वक्त घुमा लेना है। फिर ये एक सुराख है, अगर ये सुराख बाई चांस बंद हो तो आपने किसी चीज के साथ इस तरह से आपको इसको खोल लेना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आ जाते हैं, ये चीज एक है, इसको आपने उतारना है और मशीन को इस तरह से कर लेना है। यहां पे आपको एक चीज घूमती हुई नजर आएगी, क्रीप करने जरा, यहां पे आपने एक दो कतरे देने हैं और फिर आपने करना कि ये जो पतरी है इसको आपने खोलना है। खोलने के बाद आपने इसको यहां से साफ करना है। साफ करने के बाद आपने इसको यहां से इस तरह से कर लेना है। करने के बाद आपने ये देखिए, ये इसका क्रीप करें, ये जो घूम रहा है पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ऑयल देना है, ये देखिए यहाँ पर। और ये जो देखिए ये चल रहा है गज, इसे गज कहते हैं, यहाँ पर आपने हल्का सा ऑयल देना है, एक कतरा देना, ज्यादा यहाँ से नहीं देना वरना आपका धागा काला होना शुरू हो जाएगा। हल्का सा इसको रवा करना है और थोड़ा सा यहाँ पे दे दें आप। इसके बाद आ जाते हैं ये कुंडी जो है, ये कुंडी मेन जो चीज़ है, देखें आप ये कुंडी मन का होता है, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से करके घुमाना है। ये जो कुंडी मन का है, यहाँ पर कुंडी के बिल्कुल तय में, ये देखें इस तरह से आपने इसको ऑयल देना है, ठीक है, और इसको घुमाकर देख लेना है। अब ये गोले वाली मशीन है, कुंडी गोले वाली, ठीक है, इसका आप अगर इस तरह से ख्याल रखें तो इंशाल्लाह कभी भी ये खराब नहीं होगी। अब इसको हम चलाकर देखते हैं तो इसमें एक वाजे फर्क नजर आएगा इसकी। ये देखें इसकी आवाज बदल गई है, ठीक है जी, इसकी आवाज बदल गई, ठीक है, अब ये काम करेगी सही तरीके से। अब देखिए यहां से आपने फिर उठाना है इसको, अब देखें
यहाँ पे ये जो गोला चल रहा है, दिखाएं जरा, ये गोला चल रहा है, यहाँ पे भी अगर कुप्पी आपके पास है लंबे वाली, तो यहाँ पे आपने इस चिमटे के दरमियान में ऑयल देना है, यहाँ पे यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन है कि जिसकी आप अगर हिफाजत करेंगे ये, तो ये चलती रहती है, लेकिन अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसको तेल दिए बगैर आप चलाएंगे, तो ये एक माह के बाद ये जाम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस मशीन को एक कारीगर से ठीक करवा कर दूसरे कारीगर के पास ले जाएंगे, तो वो भी आपसे इंशाल्लाह उतने ही पैसे लेगा जितने पहले लिए लिए हैं। वहाँ से आप उठाएं किसी और कारीगर के पास ले जाएं, वो भी आपका 1000 का बिल बना देगा। वहाँ से आप उठाएं किसी अगले कारीगर के पास ले जाएं, वो भी आपका 900-1000 का बिल बना देगा। ये काम चलता रहता है, आपने बचत खुद करनी है, अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें। जिस तरीकों से मैंने आपको ऑयल देना सिखाया है, इस तरह से काम करने से पहले अगर आप ऑयल देते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये मशीन जो पाकिस्तानी हमारी है, हम इसकी तारीफ करते हैं कि इसका टांका क्वालिटी वाला होता है, जोकी वाला टांका, इंडियन मशीन का टांका, उसकी क्वालिटी ये नहीं होती जो हमारे इस पाकिस्तानी बनी हुई मशीन की क्वालिटी है। इसका अगर टांका ठीक है, तो इंशाल्लाह सफाई में एक मियार नज़र आता है। इसलिए अगर आपके पास ये मशीन है, तो आपने इसकी हिफाजत करनी है, आपने अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। इन तरीकों से आप अगर तेल देंगे, ऑयल देंगे मशीन को चलते हुए चलाने से पहले, ये गज है, यहाँ पे आपने देखें हल्का सा कतरा देना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं देना आपने, एक कतरा देना है, क्योंकि यहाँ से अगर तेल आप ज़्यादा देते हैं, तो ये यहाँ से रिश्ता हुआ ये मशीन के गज के जरिए सुई में, और फिर आपके कपड़े पे जाकर जो धागा है वो काला देना शुरू कर देता है। इसका हल ये है कि आपने करना क्या है कि इस तरह से एक टोकी को लेना है यहाँ से, और यहाँ से आपने इसका एक गिरे सी बना लेनी है इस तरह से, यहाँ से निकाले इस धागे को, कपड़े को, और फिर आप इधर से यानी एक वंगा सा बना लेना है आपने इस तरह से, और उसको आपने पीछे से गिरा लगा देनी है। ये शुरू में कि जब आपकी मशीन धागा काला दे रही हो इस तेल की वजह से, ऑयल की वजह से जो हम इस गस में दे देते हैं, तो आपने इस तरह से फकत एक गिरा लगा लेनी है और इसको छोड़ देना है, और इस बाकी को आपने यहाँ से काट देना है। अब ये चलती जाएगी, तो ये जो धागा ऊपर से तेल आएगा, ये इसमें जज्ब होता जाएगा, ये आपकी सुई में या नीडल में नहीं आएगा, और इंशाल्लाह आपका सूर पर ये स्याही नहीं देगा। इसके अलावा अगर आपका जो मतलब के ये दंदाल हैं आपने ठीक करने हैं, तो उसका भी ये हल है कि यहाँ से आपने इस नट को खोलना है। खोलने के बाद आपने ये जो नट है, पटरी है, बाज काते दंदाल में कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये दंदाल काम नहीं करते, ठीक है। उस रूप में आपने इनको खोलना है, ये ज़रा मुश्किल से खुलते हैं क्योंकि जगह हाथ डालने के लिए कम होती है। दंदाल में अगर रुई ज़्यादा फंस जाए, तो आपने ये तरीका इख्तियार करना है, दंदाल को उठाना है आपने, और ये नीचे से ये देखें यहाँ से आपने इसको सफाई वगैरह करनी है अच्छी तरह से। इन सुराखों के दरमियान में अगर कोई इस तरह से कोई ये बुर वगैरह फंसी है, तो इसको भी आपने निकाल लेना है। इंशाल्लाह इनको निकालने के बाद आपकी जो खेंच है इस दंदाल की, वो उसमें एक कदरे बेहतरी आएगी, वरना बाज का दंदाल नीचे हो जाते हैं और कपड़े को खींच नहीं पाते, और कपड़ा स्लिप होता है ज़्यादा, ये भी इसकी वजह से। इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी ये जो मशीन है ना, तो जल्दी ख़राब होगी और ना ही आपको ये ज़्यादा तंग करेगी। तो इस तरह से आपने इसको पटरी को दोबारा फिर बंद कर देना है। तो पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सके। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। आप इस तरह से करके आप कई बार अपने पैसे बचा सकते हैं। यकीन माने, ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि जहाँ पर आप अगर आप चाहें तो जितने मर्जी पैसे लगवा लें, ये लगवाती जाएगी, आप लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन ये नहीं थकेगी। अदरवाइज उसी सूरत में ये नहीं थकेगी जब आप इसकी हिफाजत करेंगे। अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करते, तो
तो ये मशीन एक माह के बाद दो माह के बाद ये बिल्कुल टाप भी देगी, ख़राब भी करेगी, धागा भी नहीं खींचेगी और ये सिलाई में भी ख़राब करेगी। इसकी हिफाजत करेंगे तो तभी ये चलेगी, अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगी, आपको तंग करेगी। जितने पास ये देर तक ये आपके पास रहेगी ये आपका खर्चा कुराती रहेगी। तो ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए आपको इन हिफाजती तदाबीर को अपनाना होगा ताकि आप भी खुश रहें और ये मशीन भी खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।